यह वार्तालाप सन 1898 में हुई शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती और स्वामी विवेकानंद जी की है। अभी बेलूर मठ का निर्माण कार्य ही चल रहा है। शिष्य भी कल दिन में करीब 2 बजे के समय पैदल चलकर मठ में आया है और आज शिष्य के मन में अनेक जिज्ञासाएं हैं। इसी हेतु वह स्वामी जी से प्रश्न कर बैठता है। स्वामी जी, आप इस देश में व्याख्यान क्यों नहीं देते? अपनी वक्तृता के प्रभाव से यूरोप अमेरिका को मतवाला बना आए, परंतु भारत में लौटकर आपका उस विषय में यत्न और अनुराग क्यों घट गया? इसका कारण समझ में नहीं आता। हमारी समझ में तो पाश्चात्य देशों के बजाय यहीं पर उस प्रकार की चेष्टा की अधिक आवश्यकता है। इस देश में पहले जमीन तैयार करनी होगी, तब बीज बोने से वृक्ष उगेगा। पाश्चात्य की भूमि ही इस समय बीज बोने के योग्य है, बहुत उर्वरा है। वहाँ के लोग अब भोग की अंतिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोग से अघाकर अब उनका मन उसमें और अधिक शांति नहीं पा रहा है। वे एक घोर अभाव का अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश में न तो भोग है और न योग ही। भोग की इच्छा कुछ तृप्त हो जाने पर ही लोग योग की बात सुनते या समझते हैं। अन्न के अभाव से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग शोक परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से क्या होगा? क्यों, आपने ही तो कभी कभी कहा है यह देश धर्म भूमि है। इस देश में लोग जैसे धर्म की बात समझते हैं और कार्य में धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वैसा दूसरों देशों में नहीं। तो फिर आपके ओजस्वी भाषणों से क्यों ना देश मतवाला हो उठेगा, क्यों ना फल होगा? अरे, धर्म कर्म करने के लिए पहले कुर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट है वह कुर्म, इसे पहले ठंडा किए बिना तेरे धर्म कर्म की बात कोई ग्रहण नहीं करेगा। देखता नहीं, पेट की चिंता से भारत बेचैन है। विदेशियों के साथ मुकाबला करना, वाणिज्य के अवाध निर्यात, और सबसे बढ़कर तुम लोगों की आपस की घृणा सुलभ ईर्ष्या ने ही तुम्हारे देश की अस्थि मज्जा को खा डाला है। धर्म की बात सुनाना हो तो पहले इस देश के लोगों के पेट की चिंता को दूर करना होगा, नहीं तो केवल व्याख्यान देने से ही विशेष लाभ न होगा। तो हमें अब क्या करना चाहिए? पहले कुछ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है, जो अपने परिवार के लिए न सोचकर दूसरों के लिए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार हो। इसलिए मैं मठ की स्थापना करके कुछ बाल सन्यासियों को उसी रूप में तैयार कर रहा हूँ। शिक्षा समाप्त होने पर ये लोग द्वार द्वार पर जाकर सभी को उनकी वर्तमान शोचनीय स्थिति समझाएंगे। उस स्थिति से उन्नति किस प्रकार हो सकती है, इस विषय में उपदेश देंगे और साथ ही साथ धर्म के महान तत्वों को सरल भाषा में उन्हें साफ साफ समझा देंगे। तुम्हारे देश का जनसाधारण मानो एक सोया हुआ तिमिंगल, एक विशाल काय समुद्र जीव की तरह है। इस देश की यह जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है, उससे देश के अधिक 1-2% व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। जो लोग शिक्षा पा रहे हैं, वे भी इस देश के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बेचारे करे भी तो कैसे, कॉलेज से निकलकर ही देखते हैं कि वे 7 बच्चों के बाप बन गए हैं। उस समय जैसे तैसे किसी क्लर्की या डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। बस यही हुआ है शिक्षा का परिणाम। उसके बाद गृहस्थी के भार से उच्च कर्म और चिंतन करने का उसको फिर समय कहाँ है? जब अपना स्वार्थ ही सिद्ध नहीं होता, तब वह दूसरों के लिए क्या करेगा? तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है स्वामी जी? अवश्य है, यह सनातन धर्म का देश है। यह देश गिर अवश्य गया है, परंतु निश्चय फिर उठेगा, और ऐसा उठेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। देखा नहीं है, नदी या समुद्र में लहरें जितनी नीचे उतरती हैं, उसके बाद उतनी ही जोर से ऊपर उठती हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा। देखता नहीं है, पूर्वाकाश में अरुणोदय हुआ है, सूर्य उदित होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है। तुम लोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो जाओ। गृहस्थी करके क्या होगा, तुम लोगों का अब काम है प्रांत प्रांत में, गांव गांव में जाकर देश के लोगों को समझा देना कि अब आलस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा विहीन, धर्म विहीन वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझा कर कहो, भाई सब उठो, जागो, और कितने दिन तक सोओगे? और शास्त्र के महान सत्यों को
सरल करके उन्हें जाकर समझा दो। इतने दिन इस देश का ब्राह्मण धर्म पर एकाधिकार किए बैठा था, काल के स्रोत में वह जब और अधिक टिक नहीं सका, तो तू अब जाकर ऐसी व्यवस्था कर कि देश के सभी लोग उस धर्म को प्राप्त कर सके। सभी को जाकर समझा दो कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धर्म में एक सा अधिकार है। चांडाल तक को इस अग्नि मंत्र से दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ जीवन के अत्यावश्यक विषयों का उपदेश दो। नहीं तो तुम्हारे लिखने पढ़ने को धिक्कार और तुम्हारे वेद वेदांत पढ़ने को भी धिक्कार। महाराज, हम में वह शक्ति कहाँ? यदि आपकी सतान शक्ति भी हम में होती तो हम स्वयं धन्य हो जाते और दूसरों को भी धन्य कर सकते। धतमूर्ख, शक्ति क्या कोई दूसरा देता है? वह तेरे भीतर ही मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी। तू काम में लग जा, फिर देखेगा इतनी शक्ति आएगी कि तू उसे संभाल न सकेगा। दूसरों के लिए रति भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रति भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। परंतु महाराज, जो लोग मुझ पर निर्भर हैं उनका क्या होगा? यदि तू दूसरों के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है तो भगवान उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, यानी हे तात, कल्याण करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। गीता पढ़ी है ना? जी हाँ स्वामी जी। त्याग ही असली बात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरों के लिए 16 आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता। त्यागी सभी को समभाव से देखता है, सभी की सेवा में लगा रहता है। वेदांत में भी तो पढ़ा है कि समभाव से देखो तो फिर एक स्त्री और कुछ बच्चों को अधिक अपना समझकर क्यों मानेगा? तेरे दरवाजे पर स्वयं नारायण दरिद्र के भेष में आकर अनाहार से मृत प्राय होकर पड़े हैं। उन्हें कुछ न देकर केवल अपना और अपने स्त्री पुत्रों का पेट भांति भांति के व्यंजनों से भरना तो पशुओं का काम है। महाराज, दूसरों के लिए काम करने के लिए समय समय पर बहुधा धन की भी आवश्यकता होती है, वह कहाँ से आएगा? मैं कहता हूँ जितनी शक्ति पहले उतना ही कार्य कर। धन के अभाव से यदि कुछ नहीं दे सकता तो न सही, पर एक मीठी बात या एक दो सदुपदेश तो उन्हें दे सकता है। क्या इसमें भी धन लगता है? जी हाँ, यह तो कर सकता हूँ। जी कर सकता हूँ, केवल मुंह से कहने से काम नहीं बनेगा। जो कर सकता है वह मुझे करके दिखा, तब जानूंगा कि तेरा मेरे पास आना सफल हुआ। काम में लग जा। कितने दिनों के लिए यह जीवन है? संसार में जब आया है तब एक स्मृति छोड़कर जा, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार जन्म लेने और मरने की इच्छा क्या मनुष्य की भी कभी होती है? मुझे करके दिखा कि तेरा वेदांत पढ़ना सार्थक हुआ है। जाकर सभी को यह बात सुना, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति मौजूद है, उसी शक्ति को जागृत करो। केवल अपनी मुक्ति से क्या होगा? मुक्ति की कामना भी तो महास्वार्थ परता है। छोड़ दे ध्यान, छोड़ दे मुक्ति की आकांक्षा। मैं जिस काम में लगा हूँ उसी काम में लग जा। तुम लोग जाकर इस प्रकार जमीन तैयार करो, बाद में मेरे जैसे हजार हजार विवेकानंद भाषण देने के लिए नरलोक में शरीर धारण करेंगे, उसकी चिंता नहीं है। यह देखना, हम में जो पहले सोचा करते थे कि उनमें कोई शक्ति नहीं, वे ही अब अनाथ आश्रम, दुर्भिक्ष कोष आदि कितनी ही संस्थाएं खोल रहे हैं। देखता नहीं, निवेदिता ने अंग्रेजी की लड़की होकर भी तुम लोगों की सेवा करना सीखा है। और तुम लोग अपने ही देशवासियों के लिए ऐसा नहीं कर सकोगे? जहाँ पर महामारी हुई हो, जहाँ पर जीवों को दुख ही दुख हो, जहाँ पर दुर्भिक्ष पड़ा हो, चला जाओ उस ओर। अधिक से अधिक क्या होगा, मर ही तो जाएगा। मेरे तेरे जैसे न जाने कितने कीड़े पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, इससे दुनिया को क्या हानि लाभ? एक महान उद्देश्य लेकर मर जा, मरना तो है ही, पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है। इस भाव का घर घर में प्रचार कर, अपना और देश का कल्याण होगा। तुम ही लोग देश की आशा हो, तुम्हें कर्म विहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जा, काम में लग जा।
विलंब न कर। मृत्यु तो दिनों दिन निकट आ रही है, बाद में करूंगा कहकर अधिक बैठा न रह। यदि बैठा रहेगा तो फिर तुझसे कुछ भी न होगा।